अब बात करते हैं संथाल की। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देवघर जिला प्रशासन ने आज बाबा मंदिर को सैनिटाइज किया है। इस को लेकर पुरोहित समाज भी राहत महसूस कर रहा है। सैनिटाइजेशन का जायजा लिया है सहयोगी मनीष राज ने। इस वक्त हम लोग बाबा मंदिर प्रांगण में हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे NDRF की टीम आई है जो कि सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। इस टीम के सदस्य पहले बाहरी हिस्सा जो है मंदिर का, उसके बाद ये अंदर जाएंगे। मंदिर प्रांगण के अंदर में NDRF की टीम है, इनकी पूरी बटालियन है। हम सीधे यहाँ बात करेंगे मंदिर से जुड़े जो हैं प्रबंधन से कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है, देखिए भीषण महामारी कोरोना का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। ये NDRF के टीम से हम लोग प्रशासन के द्वारा यहाँ पर पूरे बाबा मंदिर प्रांगण में इसे कोरोना के संक्रमित के घटाने के चलते ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बिल्कुल, कितना लग रहा है ये जरूरी था? ये क्योंकि वर्तमान जो स्थिति हम देख रहे हैं आज के डेट में, आसपास जो मंदिर के आसपास जितनी भी गलियां हैं, इसमें एक गली बहुत अभी चिन्हित हो रहा है जो ठाकुर लेन जो है यहाँ पे नरसिंह टॉकीज के बगल में, तो उसको देखते हुए मंदिर को सैनिटाइज करना अति आवश्यक हो गया है। ये अंदर का नज़ारा एक बार हम यही दूर से चाहेंगे दिखाने के लिए। ये टीम अंदर भी किया जा रहा है सैनिटाइजेशन, यानी कि मंदिर के सभी हिस्सों को इसमें लिया जाएगा, यानी कि जो भी हिस्सा है सभी हिस्सों को। हम सीधे बात करेंगे, यहाँ कमांडेंट है सर। क्या क्या किया जा रहा है यहाँ पे? हम एरिया सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। DM मैडम के थ्रू ये आदेश मिला है कि हमें यहाँ पे एरिया सैनिटाइज करना है, यानी इसके बाद जैसा कि उन्होंने बताया कि अब मंदिर के आसपास की जो गलियाँ हैं, जो इलाका है, उसे भी सैनिटाइज किया जाएगा। कैमरा पर्सन अभय के साथ मनीष राज, न्यूज़ भारत के लिए देवघर।